शराबी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं शराबी नहीं हूं, तो उसकी क्या टेस्ट है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। देखो, उत्सव में, कोई सोशल फंक्शन में, कोई पार्टी में, दोस्तों के साथ में लोग जो शराब पीते हैं उनको बोलते हैं सोशल ड्रिंकर। 6% में से 16% लोग, मतलब एक व्यक्ति, 6 में से 1 व्यक्ति उसमें का शराबी बन सकता है या अल्कोहल एडिक्ट बन सकता है। और हमको ये मालूम नहीं कि कौन सा व्यक्ति अल्कोहल एडिक्ट बन जाएगा। इसका मतलब सोशल ड्रिंकर जो है वो कभी भी, उसमें के 6 में से 1 व्यक्ति कोई भी सोशल, मतलब वो सोशल ड्रिंकर में का अल्कोहल एडिक्ट बन जाएगा या बन सकता है। अभी हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं तो इतना नहीं पीता हूँ, उसकी क्या टेस्ट है? एक ऑर्डिनरी सामान्य लेवल पे हम क्या देख सकते हैं कि भाई कौन सी टेस्ट है, कि जो टेस्ट हम उसको देते हैं या सवाल करते हैं तो उसमें के सवाल में से कोई जवाब हाँ में आते हैं तो हम बोलते कि नहीं, उसको शराब की लत है या शराब का व्यसन उसको लगा हुआ है। तो उसका एक्रोनिम है केज, CAGE केज। तो सी मतलब क्या? सी मतलब यह है कि क्या शराबी व्यक्ति को, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है और मैंने मेरी शराब का जो मात्रा है या शराब लेने का जो अमाउंट है वो मैंने कट करना चाहिए, कट डाउन करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो ये पहला एक सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या मैं, यदि कोई ऐसा कुछ बोलता है किसको तू शराबी है या शराब जो बहुत ज़्यादा पीता है, तो क्या वो व्यक्ति गुस्सा करता है? तो गुस्सा यदि करता है, इसका मतलब एक वो सवाल है कि जिसका जवाब यदि हाँ आता है तो उसको एक पॉइंट दिया जाता है। तीसरा है कि शराबी हूँ करके उसको खुद को गिल्टी लगता है कि नहीं मैं गिल्टी हूँ, उसको अपराधीपन की भावना आती है, मैंने शराब छोड़ना चाहिए, मैंने बंद करना चाहिए, मुझे बहुत ख़राब लगता है, ऐसा उसको लग रहा है। तो तीसरा है सवाल। और चौथा सवाल है कि सवेरे आई ओपनिंग करते ही आप आँखें खोलते हो सुबह सुबह बेड में, और आँखें खोलने के तुरंत बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने शराब पीना चाहिए और वो तुरंत शराब पीना चालू कर देता है सुबह से ही। तो पहला है कि कट डाउन करना, उसको लगता है कि कट डाउन करना चाहिए, सी। दूसरा है एनॉयड होना, मतलब ए, गुस्सा करना। तीसरा है जी, गिल्टी लगना। और चौथा है आई ओपनिंग के ऊपर उसको लगना कि मैंने शराब पीना चाहिए करके। तो ऐसे ये 4 में से यदि 2 सवालों के जवाब यदि हाँ है तो इसका मतलब ये है कि वो शराबी है और उसको शराब का व्यसन है, एडिक्शन है, उसने ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वैसे दूसरी और एक टेस्ट है कि जो उसमें बोला जाता है कि भाई आप शराब के सिवाय रह नहीं सकते, मतलब वो शराब तो आपका रोज का जीवन जीने के लिए, काम करने के लिए, उठ के काम करना, बातचीत करना, रोज का व्यवहार करना, उसके लिए शराब जरूरी लगती है, उसके सिवाय कर ही नहीं सकते, तो भी उसको बोलते कि ये शराबी है। अब उसके विड्रॉल्स यदि उसको आते हैं, मतलब शराब पीना बंद कर दिया और बहुत ज़बरदस्त विड्रॉल आ गया उसको, और विड्रॉल मतलब भान घूम जाना, मतलब अनकॉन्शियस होना या कन्फ्यूजन होना, मालूम नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, तो भास होना, आभास, कोई बुला रहा, कोई कुछ मारने आ रहे, कोई पीटने आ रहे, ऐसा आभास होना, ऐसे कोई चीज़ें ढूंढना इधर उधर, मतलब ऐसा उसको हेल्यूसिनेशन होते रहते हैं, पसीना आता है, चक्कर आती है, फिट आ जाती है, तो ऐसे है उसको डिलीरियम बोलते हैं, डिलीरियम ट्रेमेंस और अल्कोहल विड्रॉल स्टेट। तो ऐसे यदि आती है उसको शराब छोड़ती है तो फिर वो डेफिनेटली अल्कोहलिक है, अल्कोहल एडिक्ट है, और इसका सबका इलाज हो सकता है। तो यह लक्षण उसके, हमारा जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल में हम शराबी लोगों का इलाज करते हैं, उनको 1 महीना भर्ती रखते हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे इलाज हम करते हैं, काउंसिलिंग है, साइकोथेरेपी, फिर अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स हम लेते हैं, उसके साथ साथ फैमिली थेरेपी है, एवर्शन थेरेपी उनको करते हैं, फिर उनको जब विड्रॉल आता है तो उसके लिए फिर आईवी फ्लूइड्स देना, दवाई देना, और फिर जाने के समय जब वो जाता है हॉस्पिटल से, छुट्टी लेके जाता है, तो उसको डायसिलिफ्राम की गोली देते हैं कि जो सुबह शाम गोली लेना चाहिए उसने। डायसिलिफ्राम की गोली लेने को तैयार नहीं है वो या कठिनाई होती है तो उसको डायसिलिफ्राम का इम्प्लांट, मतलब चमड़ी के नीचे डायसिलिफ्राम की गोली रख देते हैं कि जो गोली धीरे 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 6 महीने तक काम करती रहती है, या फिर वो भी उसको रखना नहीं है तो डायसिलिफ्राम का इंजेक्शन हम देते हैं कि जो इंजेक्शन वो लेता है तो उसको 1 से 3 महीना तक वो डायसिलिफ्राम का गोली का, मतलब वो उसका गोली जैसा असर उसको होता है 3 महीने तक, और 3 महीने वो शराब पिएगा नहीं। तो डायसिलिफ्राम यदि बदन में, बॉडी में, ब्लड में है तो उसका, उसके ऊपर शराब यदि पिया तो बहुत ज़ोर से रिएक्शन आती है
और जो रिएक्शन आके कभी जान को भी खतरा हो सकता है तो वो डर से ही वो शराबी फिर शराब लेता नहीं है। मालूम है उसको कि अपन इसके ऊपर शराब पियेंगे तो आपको ये अपने को रिएक्शन आ गया और प्रॉब्लम हो जाएगा और अपनी मृत्यु हो सकती है करके। तो ऐसे उसके इलाज है। आपके आसपास में काफ़ी सारे लोग होंगे कि जो शराब भी होंगे, शराब पीते होंगे, उनको शराब एडिक्शन की मतलब बीमारी होंगी, उसके लिए उनको इलाज करना होगा। तो जरूरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाएगा कि ये मानसिक बीमारी है, एडिक्शन है और उसका इलाज साइकेट्रिस्ट की तरफ हो सकता है। आप हमें हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके आ सकते हैं, उनका इलाज हम करेंगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं हमारे से, ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी, हमने नीचे नंबर दिए उसके ऊपर आप संपर्क करो या पेशेंट को यहाँ लेके आ जाओ। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। तो आप यदि वीडियो शेयर करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे तो ये मिशन में आपका भी हाथ लग जाएगा। आप हमें कहीं बुला सकते हैं, लेक्चर देने के लिए बुला सकते हैं, कहीं ऑनलाइन मतलब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बुला सकते हैं कि जहाँ हम लोगों का एजुकेशन करेंगे भाषणों के माध्यम से या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।